वेलकम गाइस, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये है DJI का मिनी मैविक फ्लाई मोर कॉम्बो। तो आज इसका हम करेंगे अनबॉक्सिंग। अंडर 250 ग्राम्स आता है, तो ये प्रोफेशनल ड्रोन है। ये तो कुछ ऐसा बॉक्स है, एक और बॉक्स मिलता है, ये हमने खोला हुआ है तो पन्नी टूटी हुई होगी। ये है प्रोपेलर गार्ड जो कि आपको दिखा देंगे बाद में। ये आता है, ये है चार्जिंग एडाप्टर, इस तरह का है, DJI का लोगो है। और ये पुस्तक है जो कि हम पढ़ते नहीं है, हमारा फर्ज है, इसको तो रखते हैं साइड। बहुत भारी है। ओ, इसमें बैटरीज है 2-3 और कुछ भी नहीं है। तो ये आ गया हमारा मेन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती होगी। पहले तो हमारा ये ड्रोन जो कि है मिनी मैविक। ये है चार्जिंग केस आपको। ये आ गया कंट्रोलर, इसमें है एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स जो कि है 3 जोड़ी। इसमें देखते हैं क्या है। ओ, इसमें बहुत सारा सामान है, देखते हैं क्या क्या निकले। ओ, बहुत सारा। तो इसमें केबल्स हैं, आप मिला है। ये हमारा ड्रोन, ये रही 3 बैटरीज, उसके साथ ये चार्जिंग केस, ये हमारा आ गया कंट्रोलर, ये हमारा आ गया एडाप्टर, ये कुछ केबल्स। तो इतनी सारी वस्तुएं मिली है। ऊपर से ये केस बहुत ही मजबूत है, DJI मैविक की ब्रांडिंग। कंट्रोलर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, हम निकाल देते हैं स्टिकर, ये भी हमने बाद में निकालेंगे, आपको खोल के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे खुलता है। इसकी जो जॉयस्टिक्स है वो इसके ही अंदर दी हुई है, इसको निकालेंगे ऐसे, इसको प्लेस कर देंगे। और ये एंटीना, तो ऐसा कुछ दिखता है। ये है हमारा चार्जिंग केस, इसको भी दिखाते हैं आपको। ये स्मार्ट चार्जिंग केस है, तो इसमें लिखा रहा है कि अभी चार्जिंग कितना है दोनों में। एक बार प्रेस करेंगे तो दोनों में चार्जिंग दिखाएगा। आप इसको माइक्रो USB से चार्ज कर सकते हैं और इसमें आप आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ये आ गए हमारे केबल्स, इससे हम वीडियो आउटपुट ले पाएंगे माइक्रो USB से टाइप सी, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में चलता है। एक है माइक्रो USB to USB जो पुराने फोन्स में चलता था, और यह माइक्रो USB to Lightning पोर्ट जो कि iOS डिवाइस में चलता है। और ये है जॉयस्टिक्स, एक्स्ट्रा जॉयस्टिक्स जो कि कंट्रोलर में लगेगा, उसको भी हम कर देते हैं साइड केबल से। ये है माइक्रो A to Micro USB जो कि हम चार्जिंग करेंगे इस केस को और कंट्रोलर को भी। केबल भी माइक्रो A to Micro USB है। और ये है, ये स्क्रू ड्राइवर है जिससे आप प्रोपेलर्स को खोल सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो ये है हमारा ड्रोन मिनी मैविक। पहले ये वाली जो है, ये वाली ओपन करते हैं दोनों, फिर जो नीचे वाली है उसको राउंड करके ऐसे ओपन करते हैं। ओपन हो गए। तो ये हमारा कुछ ड्रोन, इसका ये निम्बल प्रोटेक्शन भी निकाल देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं, बहुत ही ध्यान से निकालिएगा। बैटरीज इंसर्ट करते हैं, तो ये वाला भाग है ऊपर आएगा ऐसे। इसको ऑन करने के लिए एक बार प्रेस करेंगे तो इसकी बैटरी इंडिकेट करेंगे कि परसेंटेज है बैटरी के। एक बार प्रेस करके दूसरी बार होल्ड करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। फ़ोन में चलाने के लिए हमको DJI फ्लाई की एप्लीकेशन लगेगी, ये वाली, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये आ गया हमारा फ़ोन रेडी। अभी शुरू नहीं किया है तो पहले करते हैं शुरू। एक बार प्रेस फिर होल्ड, ये हो गया स्टार्ट।
अब हम हमारे टोन को करते हैं प्रेस और फिर से प्रेस करके होल्ड। ये कुछ मूवमेंट लेगा थोड़ी, तो ये हो गया हमारा ड्रोन शुरू। ड्रोन पैर हो चुका है, ये हमारा लाइव फुटेज दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको अभी दिखाता हूँ आपको शुरू करके। तो शुरू करने के लिए हमें ऑटो टेक ऑफ या मैन्युअली करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं साइड में, तो ये दोनों जॉयस्टिक्स ऐसे करेंगे। तो ये हो गया स्टार्ट। अभी हम ऑटो टेक ऑफ या इस जॉयस्टिक से ऊपर करके हम टेक ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हम कर देते हैं ऑफ। ऑफ करने के लिए आप लेफ्ट वाले की को एक बार नीचे करके भी आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रियल टाइम बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट दिखा रहा है कि कितने सैटेलाइट कनेक्टेड है, यहाँ पे जीपीएस सिग्नल भी दिखा रहा है क्योंकि हम इंडोर में हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो कि आप कर सकते हो कस्टमाइज, कंट्रोल की, कैमरास की, ट्रांसमिशन की। और यहाँ पे है रिजोल्यूशन 2.7K में 30fps, 24 एंड 25, 1080p में आप मैक्सिमम 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि अच्छा है। यह है बटन, यह है रिकॉर्डिंग का बटन, और यह है फोटो क्लिक का, और यह है यहाँ पे एक और भी स्क्रॉल बटन है जिसे हम गिम्बल को अप एंड डाउन कर सकते हैं। देखिए ये रहा नीचे, स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है स्लोली स्लोली। इसको हमने जो हाइट चेक किया है वहाँ पर रुक जाता है।